हाय, मेरा नाम है अदिति। आप सुन रहे हो काइपन अदिति। आई लव टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग ग्रोथ, वेलनेस, मैनिफेस्टेशन, लव इन दिस बिग ब्यूटिफुल सिटी ऑफ मुंबई। वी डोंट चेस, वी अट्रैक्ट। एवरीथिंग गुड इज हैपनिंग फॉर अस, हैपनिंग इन आर फेवर। दिस इज द लास्ट एपिसोड फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। आई एम स्टार्टिंग मार्च मैराथन, जहाँ पे मैं रोज़ एक नया एपिसोड अपलोड करूँगी, जस्ट लाइक वॉट आई डिड इन जनवरी। आई कॉल इट जनवरी अनहिंज्ड। अब मार्च चालू होने वाला है, सो आई एम गोना डू दैट। वाई डू आई डू इट? इट्स जस्ट बिकॉज आई लव इट। आई लव प्रोड्यूसिंग मोर कॉन्टेंट एंड यू नो वॉट, आई वॉन्ट टू गेट रियली गुड एट दिस। आई डू रियली लव दिस एंड आई वॉन्ट टू गेट गुड एट इट। इन केस यू हैव नॉट हर्ड दिस इन अ वाइल, आई जस्ट वॉन्टेड टू से आई लव यू गाइज। आई अप्रिशिएट यू मैटर अ लॉट टू मी। आई अप्रिशिएट यू शेयरिंग योर टाइम विथ मी। अगैन, मार्च मैराथन, न्यू एपिसोड्स एवरी सिंगल डे इन द मंथ ऑफ मार्च, 7 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आई होप टू सी यू देयर। आज का एपिसोड इज वेयर आई वॉन्टेड टू लुक एट मैं कौन सी नई हैबिट्स और अडॉप्ट कर सकती हूँ ये साल में। हाउ कैन आई रियली इम्प्रूव माई सेल्फ विदाउट पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट? ठीक है, आई एम लेजी AF एंड ये मैं एडमिट करती हूँ, ये तो हूँ ही मैं। बट मैंने ये भी रियलाइज़ किया है कि मुझे बेहतर बनना है, बेहतर करना है। आई वॉन्ट टू गेट बेटर एट लाइफ एंड सो आई कंपाइल्ड अ लिस्ट ऑफ अ फ्यू हैबिट्स दैट यू एंड मी, वी बोथ कैन बेनिफिट फ्रॉम। सो या, लेट्स टॉक अबाउट दैम। नंबर वन, ये बहुत ही आसान था एंड आई कुड नॉट बिलीव इट हाउ सिंपल इट इज़। क्लीनिंग अप योर एनवायरमेंट इम्पैक्ट्स योर माइंड सेट एंड आई एम लाइक, ये कैसे? लिटरली आई एम लाइक, मैरी कॉन्डो ने तो इस पे बिजनेस बना लिया है, सो देर मस्ट बी समथिंग अबाउट टाइडिंग अप योर एनवायरमेंट, क्लीनिंग अप योर एनवायरमेंट। मैंने ऐसे भी सुना है कि आपका वर्क स्पेस, आपका डेस्क, आपका जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो या रह रहे हो, इट इज़ एन इनडायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ योर करंट स्टेट ऑफ माइंड। सो हैविंग अ क्लीन अपार्टमेंट, हाउस, लिविंग स्पेस इज एब्सोल्युटली एसेंशियल पार्ट। एंड यू नो वॉट, आई डिड इट, लाइक आई एंडेड अप क्लीनिंग आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई फील गुड। लाइक आई डोंट हैव डस्टी क्रस्टी कॉर्नर्स इन दिस हाउस नाउ एंड आई कैन रिलैक्स माई ब्रेन फ्रॉम वरिंग अबाउट फॉलिंग सिक और जस्ट वरिंग इन जनरल कि अरे कुछ काट वाट लेगा तो, राइट? सो जस्ट क्लीनिंग अप योर एनवायरमेंट हेल्प्स आउट अलॉट। नंबर टू, ईटिंग न्यूट्रिशियस फूड। अब ये मेरे को बहुत बाद में रियलाइज हो रहा है कि भाई, ये जो मेरे को वेसल मिला है, दिस बॉडी दैट वॉज गिफ्टेड, आई वॉन्टेड टू लास्ट लॉन्गर। मेरे को ज़्यादा चलना है, ये बॉडी में ज़्यादा सोल चलानी है एंड सो आई रियलाइज कि मैं 20s की तरह जी नहीं सकती हूँ। मेरा 20s में लाइफस्टाइल कुछ और था एंड अब मैं 30, एज आई एंटर्ड, आई एम अबाउट टू एंटर 31, आई एम गोना बी टर्निंग 31। वाओ, ओके, इट जस्ट हिट मी, द रियलिटी जस्ट हिट मी कि आई एम टर्निंग 31, आई एम ऑन दिस अर्थ फॉर 31 years। वाओ, ओके, मेरा लाइफस्टाइल जो 20s में था दैट विल नॉट बी एप्लीकेबल इन माय 30s एंड सो दैट मींस वो बैक पेन होगा, नेक पेन होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई नीड टू मूव ऑफ्टन, आई नीड टू हैव जॉइंट मूवमेंट्स एंड एवरीथिंग एंड सो अ बिग पार्ट ऑफ इट इज़ ईटिंग राइट फूड एंड एजुकेटिंग माय सेल्फ इन टू वॉट इज़ गुड एंड वॉट इज़ बैड एंड हाउ कैन आई एम नॉट सेइंग टू अवॉइड बैड फूड कम्प्लीटली एंड कट इट ऑफ। आई एम जस्ट गोइंग टू लुक एट इट एज हाउ कैन आई एड मोर ऑन माई प्लेट, कि अगर मेरे प्लेट में दो या तीन तरह की चिप्स है सो आई वॉन्ट टू एड काजू, बादाम, पिस्ता एंड मोर सीड्स एंड फ्रूट्स एंड नट्स ऑन द प्लेट एज वेल, राइट? सो आई जस्ट वॉन्ट टू एजुकेट माई सेल्फ इन टू वॉट इज गुड फॉर योर बॉडी, स्पेशली वेन यू आर हिटिंग योर 30s एंड यू डू रियलाइज दिस इज वेयर वी नीड टू फिगर आउट वेन योर पेरेंट्स स्टार्टेड गेटिंग देयर ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज, उनको कब हुआ था एंड आपको कब होने के चांसेस है। सो बेटर टेक प्रिकॉशनरी केयर इन एडवांस, राइट? फिर है गेटिंग अ गुड नाइट स्लीप। अब ना इस पर आर्ग्यूमेंट सॉर्ट ऑफ छिड़ चुका था, बट ओके, लेट मी टॉक अबाउट इट। एक अच्छा गुड नाइट स्लीप इज सो इसेंशियल। लाइक अगर आपको अच्छी नींद नहीं आई तो आप अगले दिन बहुत ही क्रैंकी फील करोगे, बहुत ही रेस्टलेस फील करोगे,
थके हुए होगे, यू विल बी क्वेश्चनिंग, अरे मैं अभी तो उठी हूँ बट मैं तो भी, मेरे को इतना थकान क्यों लग रहा है? इट इज़ बिकॉज आपको प्रॉपर, आप प्रॉपर सोए नहीं हो. एंड व्हेन आई मीन प्रॉपर सोए नहीं हो, इसका मतलब ये कि आपका रैम साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ है. रैम साइकिल इज़ दैट पीरियड वेयर योर बॉडी, वेयर योर स्लीप हेल्प्स योर बॉडी हील, रिपेयर द टिश्यूज, रीगेन द स्ट्रेंथ टू कीप गोइंग फॉर द नेक्स्ट डे. सो इसके ऊपर मैं और थोड़ा सोच रही थी, रिसर्च कर रही थी, एंड वन ऑफ माई फेवरेट पॉडकास्टर मेल रॉबिन्स वॉज टॉकिंग अबाउट हैविंग अ गुड नाइट हैबिट, एंड ये हैबिट्स आपको रोज़ करने हैं रात को टू गेट अ गुड नाइट स्लीप. एंड बेसिकली शी सेड करके अगर आप 8 घंटा सो रहे हो आप, तो आप एक बेड टाइम रूटीन, एक बेड टाइम टाइम सेट कर लो कि भाई हाँ मेरे को 10 बजे ही सोना है. बट उसका ऐसा भी बोलना है कि आप 10 बजे सो रहे हो, 6 बजे उठ रहे हो, आपका जो भी होगा 8 घंटे या 9 घंटे आपको इसेंशियल है वो एक फिक्स कर लो. अब लेट्स फॉर अज्यूम फॉर अ मिनट हियर कि मैं 10 बजे सो रही हूँ, तो उसका ऐसे बोल रहे हैं आपका 10 PM इज़ योर बेड टाइम. बट वो 10 आप जैसे ही बेड पे जाओगे वैसे ही तुरंत तो सो नहीं जाओगे, राइट? एटलीस्ट मेरे साथ तो ऐसा होता नहीं कि मैं लेटी और मैं, मेरे को नींद आ गई और मैं सो गई 2 मिनट के अंदर, मैं खराटे मार रही हूँ, नहीं, राइट? सो दैट इज़ टेक्निकली व्हेन यू फॉल असलीप 10 PM, but then to get to that state, I have to be in bed by 9:15, 9:20-ish. तो मैं बुक पढ़ूंगी एंड मेडिटेशन करूंगी एंड जर्नल करूंगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड दैट विल जस्ट मेक मी स्लीपी. एंड इवेंचुअली बाय द टाइम घड़ी में 10 बजते हैं, आई माइट एक्चुअली फील अ लॉट स्लीपी एंड माइट फॉल अस्लीप. यू नीड दैट रेम साइकिल कुछ 5 घंटे, 5 या 6 घंटे का होता है, दैट योर बॉडी एब्सोल्यूटली नीड्स. And so that you won't feel tired all over again the next day, yeah? फिर है make a schedule. I want you to just simply make a schedule. अगर आपका दिन बहुत hectic है and अगर आप सुबह उठ के hodgepodge इधर उधर ये करना है वो करना है और कुछ नहीं होता है, तो best है कि a night before लिख लो क्या क्या task करना है and get it done. जस्ट गेट इट डन एंड मेक द चॉइसिस ईजी. अगर आपको पता नहीं है मैं क्या पहनने वाली हूँ, इंपॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग है, पता नहीं है क्या करना है, तो कपड़े तैयार रखो, इस्त्री करके बाहर निकाल के रखो, जूते बाहर निकाल के रखो, टिफिन बॉक्स वगैरह ऐसा खोल के रखो, तैयार रखो कि सिर्फ उठना है, भरना है, बैग पैक करना है और निकल जाना है. लाइक मेक अ स्केड्यूल कि क्या क्या करना है, टॉप 3-4 प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ एंड नेल देम. दैट्स हाउ यू डू इट. या फिर है जर्नलिंग. आई फील लाइक I did not do this and I found a lot of clarity when I started journaling. I would highly recommend everybody, especially अगर आप overthinking करते हो बहुत, तो journaling एक ऐसी चिड़िया का नाम है जहाँ से आपको बहुत राहत मिलेगी, relief मिलेगा journal लिख के. I'm not talking about अब laptop लेके journal करने मत बैठो. I'm saying pen लो, paper लो, pencil लो, paper लो and just start writing. Just start writing anything, just start. That's what I'm saying. Yeah, it will help you feel a lot lighter. And a lot of times ऐसा भी होता है कि हम बहुत सारे emotions bottle up करके रखते हैं अंदर दिल में, and safe space नहीं होता है कि we can talk to anybody. So maybe this could be a great place for you to let go of the emotions that are holding you back. दूसरा चीज मैं बोलूँगी तो सोशल मीडिया डिटॉक्स. जस्ट आई वॉन्ट एवरीबडी टू हैव अ हेल्दी सोशल मीडिया लाइफ एंड टेक ब्रेक्स एज ऑफ्टन एज यू लाइक टू. लाइक आई कैन नॉट इमेजिन सेलिना गोमेस, हु इज़ द मोस्ट फॉलोड पर्सन ऑन इंस्टाग्राम, एंड हाउ ऑफ्टन शी नीड्स टू टेक ब्रेक. एंड आई डोंट नो इफ शी इवन लाइक शी ऑफ्टन सेज दैट शी इज़ गोना टेक अ ब्रेक और शी इज़ ऑन अ ब्रेक. प्रॉबेबली उसकी टीम हैंडल करती है उसका अकाउंट, आई डोंट नो. बट लाइक वेन यू हैव सच ह्यूज फॉलोइंग यू डू नीड अ ब्रेक. एंड इवन इफ यू डोंट हैव सच ह्यूज फॉलोइंग, we as a human are indulging in so much content consumption these days that sach kya hai aur jhoot kya hai samajh hi nahi raha hai at this point. And that's where we should be very well aware ki hame question karna hai ye jo bata raha hai, ye jo bol raha hai, wo kitna percent sach hai, kitna percent jhoot hai, and hum kitna haavi hone de sakte uska content hamare dil aur dimag pe, right? So just for the peace of mind, I often take breaks from social media. I think I'm planning to step away in the month of March when I will be uploading and doing my March marathon. Yeah, it makes sense. It is troubling. You know, मुझे ऐसा लगता है
कि जब मैं टाइम सेट करती हूँ कि मुझे इतने से इतना ही यूज़ करना है फ़ोन या सोशल मीडिया, एंड देन आई एम स्ट्रेटेजिकली प्लेसिंग माई सेल्फ कि मैं 3 घंटे ही यूज़ करूँगी इंस्टाग्राम, और मैं 3 घंटे की जगह 4 या 5 घंटे यूज़ कर देती हूँ जस्ट वॉचिंग एंड कंज्यूमिंग कॉन्टेंट ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. यूट्यूब शॉर्ट्स हो गया, इंस्टाग्राम रील्स हो गया, दिस पिंट्रेस्ट, दिस फेसबुक, देर सो मेनी एप्स ऑलरेडी दैट एग्जिस्ट. एंड अगर मैं मेरे अलॉटेड टाइम के अलावा और कंज्यूम करती हूँ, दैट्स वेयर आई रियलाइज कि मैं बोल रही हूँ अरे टाइम किधर चला गया. दैट्स द वर्स्ट एंड द मोस्ट इनएफिशिएंट वे टू हैंडल टाइम, एंड यू विल नीड सोशल मीडिया डिटॉक्स इवेंचुअली. या एंड ऑल्सो मुझे ऐसे भी लगता है कि वेन यू फाइंड योर सेल्फ कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर क्रिएटर्स, अदर ह्यूमन्स हुव क्रिएटेड दिस फेक लाइफ ऑनलाइन, एंड वो जेलसी अगर आ जाता है ना आपके दिल में तो वो मुश्किल है. लाइक आई रियली वॉन्ट यू टू स्टार्ट टेकिंग ब्रेक्स ऑफ्टन बिकॉज सोशल मीडिया इज़ नॉट रियल. एवरीबडी इज़ फेकिंग इट, नोबडी नोज़ व्हाट दे आर डूइंग. नेक्स्ट अप, आई वॉन्ट यू टू क्लीन अप योर सोशल मीडिया. दिस इज़ वेयर आई वॉन्ट यू टू अनफॉलो एवरी सिंगल पर्सन हु ब्रिंग्स आउट द वर्स्ट फीलिंग्स इन योर सेल्फ. दैट मे मीन कि दिस पर्सन वॉचिंग दिस पर्सन कॉन्टेंट विल ब्रिंग यू माइट ब्रिंग यू एंग्जाइटी, माइट ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ जेलसी, माइट ब्रिंग यू दिस कंपेरिजन ऑफ नॉट बींग गुड इनफ, और अरे इसको कैसे मिल गया, या इसको ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है, इसको क्यों इतना इतना मिल रहा है, ये क्यों इतना छप्पड़ फाड़ के पैसा कमा रही, मैं क्यों नहीं कमा रही. लाइक दैट कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ माइंड इज वेरी अनहेल्दी, एंड आई वॉन्ट यू टू अनफॉलो एंड क्लीन योर सोशल मीडिया. या फिर है नेक्स्ट, आई वॉन्ट यू टू मूव योर बॉडी, स्टार्ट मूविंग योर बॉडी वट एवर यू डूइंग वेर एवर यू आर. आई वॉन्ट यू टू मूव एवरी 20 to 30 minutes, हाइड्रेट योर आइज, थोड़े आई ड्रॉप डाल दो, इट इज़ असेंशियल. जॉइंट मूवमेंट इज़ वेरी असेंशियल. तो या जस्ट गो आउट, लीव योर हाउस, मे बी टेक अ वॉक एब्सोल्यूटली एंड हैव नो एजेंडा वाइल टेकिंग अ वॉक. एक्सप्लोर योर लोकल कैफेज अराउंड यू, और जस्ट सिंपली विजिट द पब्लिक पार्क, गार्डन, टेक अ स्ट्रोल यार. देर इज सो मच टू वॉच एंड टू सी. आई थिंक जॉइंट मूवमेंट आर वेरी इसेंशियल एज यू हिट योर 30s, स्पेशली योर 30s. या नेक्स्ट अप, आई थिंक दिस इज समथिंग दैट आई डू टू विजुअलाइज एंड मैनिफेस्ट थिंग्स दैट आई वॉन्ट इन माई लाइफ. आई जस्ट डू अ रैंडम पिंटरेस्ट स्ट्रोल scroll, and I have like these folders made up on my Pinterest where I look at the highest version of myself. What does she look like? What does she do? What is she prepping up for the next day? How is she dressing up? What kind of vacation she is going on? What kind of lifestyle does she have? And like, it's just a great way to manifest, to visualize the job that you're doing, the environment, the people that you hang, just great way to visualize yourself doing it. Yeah, next, practice gratitude every morning, every evening. I say thank you, I'm grateful for the clean water, clean air, my peace, my solitude. There is a lot going on in the world right now, and the least you can do at this point is just say thank you. Thank you for food on my plate, roof on my head. There is so much to be grateful for. Start with the basics for sure. Life is better, you know, with gratitude. It keeps you humble. Next, I would say listen to a podcast. I commute, I walk, whenever I can consume, I just start consuming podcasts. I feel there is so much informative and helpful content for free of cost available ki I am baffled, I'm shocked ki not everybody listens to podcasts. So sometimes I even find myself stopping in the middle of the road to just write down and take notes, because who you listen to matters and the quality of content as well matters. So a few people I listen to, Mel Robbins podcast, there's Big Conversation with Haley Hoffman Smith, there's Andrew Huberman Lab, Diary of CEO by Stephen Bartlett, there's Gary Vaynerchuk, there's so many incredible podcasters for sure, go for it. Next, book a day of the week especially for your personal hygiene. Like time and time I emphasize on this, it is essential, at least for me. I want to represent myself as a polished clean, neat and clean woman, and it matters. How I think about myself shows
with the way I dress, with the way I keep myself clean, neat, smelling good, you know, all the time. Yeah, I want to put my best foot forward. First impression do matter. That's what I believe and think. So grooming helps a lot, especially grooming in men. I highly recommend men. Groomed men are hot AF, just hot AF. Next, make up your bed. Like, just make your bed as soon as you get up. If you have like the task does not take more than 5 minutes. I want you to just do it. Just do it, get it done with. I think मुझे ऐसा लगता है कि ये ना एक tone set करता है दिन के लिए कि चलो एक task तो हो गया, अब next task, अब next task, अब next task. मतलब वो you're on the roll. वो snowball effect बोलते हैं ना, you're on the roll. फिर मेरा ये भी मानना है कि आपने आप खुद को take yourself out on a date. It is absolutely essential कि हम खुद को बताएं कि हमारा स्टैंडर्ड क्या है, हम कैसे रेस्टोरेंट्स में उठते बैठते हैं, एंड वॉट इज़ एक्सेप्टेबल एंड वॉट इज़ सिंपली नॉट एक्सेप्टेबल. यू हैव टू टेक योर सेल्फ आउट ऑन अ डेट एंड डू नॉट एक्सेप्ट एनी थिंग लेस फॉर योर सेल्फ. फिर आई वॉन्ट यू ऑल्सो टू लर्न अ न्यू स्किल आउटसाइड ऑफ योर वर्क. देखो, करियर प्रोग्रेशन इज गुड, बट ओवरऑल लाइफ प्रोग्रेशन भी मैटर करता है. सो अ न्यू स्किल कैन बी dancing, can be yoga, can be learning a new language, or you want to simply rekindle your love for reading. Start with 5 or 10 pages a day and build it up. But ek new skill seeko, maybe it's learning to play guitar. But it's just, yeah, career progression theek hai, but life progression bhi mangta hai, right? We need that. Next, spend time with pets if you have them. Of course, this is the सबसे सिंपल वाला फील गुड क्या बोलेंगे, डोपामिन हिटिंग, विल ब्रिंग यू लॉट ऑफ हैप्पीनेस टास्क. स्पेंड टाइम विद पेट्स, गो टू द होमलेस शेल्टर, होमलेस डॉग एनिमल शेल्टर, एंड या जस्ट पेट देम, हैंग आउट विद देम. देर जस्ट द हार्मलेस, देर सो हार्मलेस एंड इनोसेंट, एंड लाइक ओह, just thinking about them makes me feel happy. Spend time as much as you can with pets. Yes. Next up, invest in yourself. Again, ye ek concept hai jo main struggle kar rahi thi for quite some time, because I was thinking about either getting my master's degree done, or I don't know, MBA, or do another course somewhere. And MBA, we all know, is very expensive. 40 to 50 lakhs straight up lag jata hai. And so that got me into thinking, kitna kharcha hoga? Oh my God. And that's where my auntie told me, ye kharcha nahi hai, ye investment hai. You are investing in yourself. This is not a liability. She also made me understand ki tere se sab kuch loot le koi. Tera kapde, tere bag, tere shoes, whatever, everything. If somebody takes away everything from you, the only one thing that is left is your brain. Your brain will take you far away. So, knowledge is power. Invest in yourself. Take up a course, online, offline, whatever floats your boat. But just understand, knowledge is an investment. Next up, wake up early. If you sleep early, you'll automatically wake up early. If you have that REM cycle finished up, I think you will feel refreshed when you wake up. Also, meditate. I don't think I have to tell you the impact of meditation. We can all feel, and you can just look at the brain maps and everything on Google. Yeah, just wake up and meditate. Next up, ye mereko, I cannot believe I'm almost 31 and I still have to remind myself of this often. Ki drink water, pani pi Aditi, pani pi, pani kyun nahi pi rahi hai? No matter how much I stress on this, just drink. Just start drinking water. You want to feel good, you want to feel less bloated, you want to not feel the constipation or not want to have piles. you just want a good bowel movement, you want to feel good. I want you to drink 3 to 4 liters of water every single day. Yes, every single day. As soon as you get up in the morning, understand aapka body 12 ghante se na khaya hai, na pani piya hai, intense fasting mode mein raha hai. So, you need to get up and you need to chug a liter of water in your body for sure. Do that.
अनलेस यू हैव टू टेक मेडिसिन, लाइक इन माई केस आई टेक थायरॉयड मेडिकेशन, सो आई हैव टू वेट फॉर लाइक 30 मिनट एट लीस्ट एंड देन स्टार्ट चगिंग वाटर. इफ दैट्स द केस यू डू यू यू नो यू वॉट्स बेस्ट फॉर यू, बट हैव वाटर. जस्ट नो आई के नॉट बिलीव कि हमारा बॉडी इतना लंबा फास्ट कर चुका है, वी नीड वाटर फॉर श्योर. All right, I have a few more on my list, but I think I'm gonna stop right here. In case you haven't heard this in a while, I love you guys. I love you guys. I love you guys. You matter to me a lot. Thank you so much for sharing your time with me today. I'll see you on 1st March at 7 p.m. Indian Standard Time. I will be uploading every single day for March Marathon. I'll see you then. Bye.